सोलन में नशे के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान छेड़ा है, जिसके तहत उन दुकानों पर नजर रखी जा रही है जो स्कूल के पास नियमों को ताक पर रखकर तंबाकू गुटखा बेचते हैं। इस अभियान के तहत पुलिस की 3 टीमों ने ट्रैक रोड, माल रोड, कोटला नाला में शिक्षण संस्थानों के आसपास की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वह कोई भी नशीली सामग्री बेचते भविष्य में पाए जाते हैं तो उनकी दुकानों का चालान भी होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए जिला सोलन पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि नशे के खिलाफ उनका अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार शिक्षण संस्थानों के आसपास अगर नशे की सामग्री बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सोलन की जनता से अभी अपील की है कि अगर उन्हें भी कोई व्यक्ति नशे की सामग्री स्कूलों के आसपास बेचता दिखाई देता है तो वह उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि वह उस पर कार्रवाई कर नशे के कारोबार पर अंकुश लगा सके। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किसी भी स्कूल के आसपास गुटखा, खैनी और तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, इसीलिए कोई भी दुकानदार इन नियमों को न तोड़े और पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की जीरो टॉलरेंस है। हर प्रयास किए जा रहे हैं कि युवा पीढ़ी नशे के चंगुल में ना फंसे और काफ़ी डिटेक्शन मात्रा में की जा रही है। जहाँ तक कोटपा के प्रोविजंस हैं, जिसमें स्कूल के दायरे में कॉलेज या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके आसपास हम नशा नहीं बेच सकते हैं, माइनर्स को नशा नहीं दे सकते हैं। हमने इसमें स्पेशल अभियान चलाया हुआ है, इसमें किसी भी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी और इसमें पुलिस, ड्रग इंस्पेक्टर और विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर MC एरिया है या पंचायत एरिया है तो उसको साथ लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम आशा करेंगे कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि बच्चे हैं, माइनर्स हैं, युवा पीढ़ी है, आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे तत्व हैं, शॉप्स हैं जो गुटखा, खैनी या छोटे मोटे नशे बेचते हैं तो तुरंत हमें संपर्क करें। इसमें मल्टी डिपार्टमेंट टीम्स एक्टिव हैं और उन पर कार्रवाई एज पर लॉ की जाएगी।